हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे खेत पर मसूर निकालने का कार्य चल रहा है और आप देख सकते हो पीछे मशीन खड़ी है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं मसूर निकालने का। ये हमारे मंटी नाना जिनका ट्रैक्टर है और ये पुन्नी मशीन है इनकी। तो गाइस, बस कुछ ही क्षणों में मशीन चालू होने वाली है। राजेश भाई ट्रैक्टर पर बैठ चुके हैं और ये बैठे हैं मसूर निकालने की तैयारी में, और महेंद्र भाई देखने आए हैं महेंद्रा ट्रैक्टर को, और ये हमारे रंगलाल काका फार्मर ऑफ दिस क्रॉप्स रंगलाल, और ये मसूर। और काफ़ी शानदार मौसम है, अभी छोटे छोटे बादल आपको दिख रहे होंगे और इधर ये सनसेट होने वाला है। मशीन रेडी है चलने के लिए, आगे मैं आपको दिखाऊंगा फसल कटाई का। फाइनली मशीन चालू हो चुकी है, गाइस देख सकते हो मशीन चालू हो चुकी है। और ये मसूर को डायरेक्ट निकालने में डाला जा रहा है और किसान भाई कैसा क्या है। तो गाइस, ये है मशहूर जो काफी क्लीन दिख रही है। अब निकलने के बाद पता चलेगा इसमें कितना एवरेज आएगा। और इधर आप देख सकते हो शानदार व्यू। इधर राजेश नल चला रहा है, आप देख सकते हो। और इधर आप देख सकते हो इतना दूर दूर तक भूसा जा रहा है इस मशीन का। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ हमारे खेत पर, देख सकते हो आप। ये है कुआ जिसमें पानी बहुत कम बचा हुआ है, और ये है हमारी मसूर की फसल, और ये है हमारे सोंजिया का झोंपड़ा जिसमें नाइट स्टे करता है वो। और इधर आप देख सकते हो ये है सरसों जो कट चुकी है, और अभी भी इसमें कुछ सरसों बची हुई है। और ये हमारे मसूर का खेत जिसमें आज से ही कटाई की शुरू हुई है, और आगे मैं आपको दिखाऊंगा सरसों और धनिया जो कि अभी खेत में ही उगे हुए हैं, कुछ दिनों बाद उनकी भी कटाई होगी। और ये है चारों तरफ का व्यू खेत का। ये गाइस फाइन ईयर की 45S40 45S46, तो ये भी अब कुछ दिनों में कट जाएगी। इस बार पानी की थोड़ी कमी रह गई है फसलों में गाइस, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है फसलें। और मैं वो भी बताऊंगा आपको इसका उत्पादन कितना रहेगा पर बीघा, और इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा जब ये निकलेगी एक बीघे में सरसों का कितना उत्पादन रहा है मसूर और सरसों दोनों का। देख सकते हो गाइस, दूर दूर तक आपको सरसों ही सरसों नजर आएंगी। और इसमें भी ये एक टापू कटाई के लिए आ चुकी है, इसको कल से इसकी कटाई की जाएगी गाइस। और सामने रखी है मेरी बाइक जिससे मैं जाऊंगा घर, क्योंकि शाम हो चुकी है, सनसेट होने वाला है। और ये भी हमारी सरसों है जो लगभग पक के तैयार हो चुकी है। ये राजस्थान से मंगवाई गई थी 70-44, तो इसका भी एवरेज जो निकलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा।
देख सकते हो। और इधर भी आपको सरसों दिखाई दे रही होगी इस कुएं के सामने जस्ट। और ये है हमारी धनिया की पिशल। ये धनिया बिल्कुल फूल सफ़ेद हो चुके हैं पूरी तरह से, और ये भी लगभग 10 से 15 दिन में पक जाएगा। और उधर सामने भी मसूर कटी हुई डली हुई। और ये है सामने का व्यू। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट्स कर बताना दोस्तों आप कौन से ज़िले से और किस प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।